दोस्तों मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकल पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाला नहीं होता है, वह इसका कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वहीं इसके अलावा वैसा हिस्सा जहां मकड़ी खुद आराम से रहती है वह बिना चिपचिपे पदार्थ के बनाती है, इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वह रोजाना अपने पैर काफी अच्छे से साफ करती है ताकि उन पर लगी धूल और दूसरे कण निकल जाएं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर ऑयली होता है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती और इसमें घूमती रहती है। लेकिन सच ये है कि मकड़ियों के पास ऑयली ग्रंथियां नहीं होती हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।